बफन पारा कुशवाहा क्रिकेट क्लब द्वारा रविवार को आयोजन टूर्नामेंट में भलुवाड़ा और पालापुर के बीच मैच हुआ, जहां भलुवाड़ा टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और चार ओवरों में 40 रन का टारगेट दिया। जवाब में उतरी पालापुर की टीम, चार ओवर में 34 रन पर ही सिमट गई। इस रोमांचक मैच में भलुवाड़ा की टीम पालापुर को हरा कप पर अपना कब्जा किया, अपने नाम किया। बताते चले कि इस मैच का मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार सिद्धू को दिया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के उम्मीदवार फहीम आलम ने फीता काटकर इस मैच का शुभारंभ भी किया और जीते हुए टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि हरद्वारा के पूर्व मुखिया और उम्मीदवार मुखिया फागुलाल शाह ने भी 10,000 रुपए का इनाम देकर खिलाड़ियों को शाबाशी दी। अगर अभी तक आपने इफेस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एफएस न्यूज के साथ सुभाष की रिपोर्ट। मेडल पहनाया जाएगा और हमारे मुखिया और हमारे सामाजिक एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं का भी मेडल पहनाएंगे। तो ये कार्यक्रम रखा गया है हमारे मुख्य अतिथि मेडल आदमी पहनी है गो का चुड़ू
चलो।